हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, डिबेंचर की बात कर रहा था। बेटा, हमने डिबेंचर को इशू होते हुए देखा फॉर कैश, ठीक है ना, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। बेटा, एक दिन हमने कैश के सारे क्वेश्चन करे 9 इलस्ट्रेशन तक। फिर बेटा, फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, बेटा 10 से लेकर 17 तक इलस्ट्रेशन ये देखे, ठीक है जी। आज पढ़ रहे हैं बेटा इशू ऑफ डिबेंचर एस कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होता है? बेटा, कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब अ एडिशनल सिक्योरिटी या अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। बेटा, आप कोई कंपनी हो, आपने बेटा लोन लेने की सोची, आपने बेटा बैंक को अप्रोच किया फॉर अ बैंक लोन ऑफ ₹50 लाख। बेटा, आपने बैंक लोन लेना है 50 लाख रुपए का। ऑब्वियसली 50 लाख की प्रॉपर्टी गिरवी रख के नहीं मिलेगा, क्योंकि बैंक ये रिस्क नहीं ले सकता कि अगर आपकी प्रॉपर्टी हल्की सी भी फ्लक्चुएट हुई, उसकी वैल्यू हल्की सी भी गिरी, आप लोन नहीं देते। तो बेटा, बैंक क्या करता है, आपसे थोड़ा सा सिक्योरिटी अमाउंट ज्यादा मांगता है। आपने क्या किया, एक लैंड एंड बिल्डिंग गिरवी रख दी, मॉर्गेज कर दी। बेटा, उस लैंड एंड बिल्डिंग की कीमत है बेटा ₹70 लाख, ये आपने मॉर्गेज कर दी। लेकिन बैंक ने आपको कहा मुझे एक एडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए। लैंड एंड बिल्डिंग तो ठीक है, एक एडिशनल सिक्योरिटी भी चाहिए। और आपने क्या किया बेटा, 70 लाख के डिबेंचर, 70 लाख रुपए के डिबेंचर, 9% डिबेंचर बेटा एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी दे दिए। दैट मीन्स एज अ एडिशनल सिक्योरिटी। काम की बात क्या है बेटा, बाबू मैं ना एक वर्ड बोलूंगा, ये वर्ड किताबें नहीं लिखती, ठीक है ना, ये मैं अपने याद रखने के लिए लिखता हूं, ठीक है। आप भी वो वर्ड दिमाग में रखना ताकि बेटा आपके दिमाग में फिट रहे कि क्या मतलब है इसका। बेटा, ये जो डिबेंचर है ना, ये डेड डिबेंचर्स। डेड मतलब मरे हुए। बेटा, अगर आपको ये जिंदा डिबेंचर होते तो क्या होता, फिर तो बिल्कुल बेटा जो जो इंसान सिक्योरिटी के तौर पे दे रहा है वही बेवकूफ है। आप खुद सोचो, आप 50 लाख के लोन का भी ब्याज दे रहे हो, ये 9% 70 लाख पे भी ब्याज दे रहे हो, पागल हो गया एक ही चीज के दो बार ब्याज। बेटा, ये डिबेंचर डेड डिबेंचर है, और ये कब तक जिंदा नहीं होंगे, जब तक बेटा बैंक के पैसों में डिफॉल्ट नहीं करोगे तब तक ये डेड ही रहेंगे। आपने बैंक का पैसा रोकना शुरू कर दिया, उनकी ब्याज से रोकनी शुरू कर दी, प्रिंसिपल अमाउंट देने से मना कर दिया, बेटा फिर ये डेड डिबेंचर जिंदा हो जाएंगे और फिर आपकी डबल जगह पे ब्याज जाएगी, फिर बैंक लोन की भी ब्याज जाएगी और फिर इन डिबेंचर की भी ब्याज जानी शुरू होगी, तब होगी आपको बहुत बड़ी दिक्कत। समझ में आ रही है बेटा बात? उससे पहले क्या है, ये डेड डिबेंचर्स, जिंदा नहीं है ये। क्लियर है बेटा? समझ में आया? थ्योरेटिकली तो समझ में आया इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, ठीक है जी। बाबू, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, यहीं पर चर्चा करेंगे उसकी, ठीक है ना। बाबू, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट डाउन करो, थोड़ा स्पीड लगा कर फटाफट से। वो स्पीड लगा के लिख दो बेटा, सिर्फ 30 सेकेंड है आपके पास,
सिर्फ 30 सेकंड्स, इससे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे आज बहुत कुछ कराना है डिबेंचर में। सब सामने देखना मेरी तरफ, कोई अब कुछ नहीं लिखेगा। अनिकेत छोड़ भी दिया अगर फोन, वो आपने जब बैंक लोन लिया, सब सामने देख रहे हैं बेटा। कहता है बेटा 1 अप्रैल 2023 जब बेटा साल शुरू हुआ तो कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग 9% डिबेंचर थे बेटा 15 लाख रुपए के। साल भर में आपने 5 लाख का बैंक लोन लिया और बेटा उस बैंक लोन के बदले में बैंक को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर 7 लाख रुपए के डिबेंचर दे दिए, यही हुआ ना बेटा। जब आपने लोन लिया तो आपने एक जर्नल एंट्री पास की होगी, सबसे सिंपल जर्नल एंट्री की, आपके खाते में पैसे आ गए हैं और बेटा आपके सर पर कर्जा चढ़ गया। सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती हैं, बैंक लोन को क्रेडिट कर दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी को नहीं होगी चीज में, पैसे आ गए कर्जा चढ़ गया 5 लाख रुपए। सर एक ही जर्नल एंट्री होनी है बेटा, जब डिबेंचर इशू हुए तो बेटा उसकी कोई जर्नल एंट्री होनी नहीं क्योंकि वो तो डेट डिबेंचर। करोगे क्या बैंक टू डिबेंचर करोगे, पैसा आया, पैसा तो आया ना, पैसा तो लोन का आया वो तो रिकॉर्ड कर दिया। कोई एसेट्स आई जैसे कल आ रही थी बेटा, संड्री एसेट्स टू डिबेंचर भी नहीं कर सकते, कोई एसेट्स भी नहीं आई तो एंट्री करोगे क्या बेटा, कोई एंट्री नहीं होनी, अ सिंगल जर्नल एंट्री विल बी पास्ड बेटा। फिर दिक्कत क्या इस मेथड में बेटा, दिक्कत बच्चों को यहां पर आती है जब वो कहता है शो द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी शो कर दो बेटा, क्योंकि मैं कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा हूं। ये देखो सामने एक्सवाइजेड लिमिटेड लिखा है, कंपनी की अकाउंटिंग कर रहा हूं तो कंपनी में बेटा बैलेंस शीट का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट है जो हम नेक्स्ट बुक में पढ़ने भी वाले हैं। जिनको आता है बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं आता सर मैं सिर्फ थोड़ी सी बात बताऊंगा वो आज के लिए बुद्धि में टिका लो ठीक है। आज के बाद सर बैलेंस शीट की बात तभी करेंगे बेटा जब वो बुक पढ़ रहे होंगे, इससे पहले नहीं करेंगे ठीक है जी। बबो सब सामने देख रहे हैं बेटा, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो बेटा जिन्होंने पहले बनाई है उनको ये बहुत अच्छे से याद होगा कि बैलेंस शीट में बेटा कंपनी में मुझे बेटा दो अलग अलग ईयर का डेटा शो करना होता है ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो यहां लिखा जाएगा फिगर्स एज एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31st of March 2024 और ऐसे ही बेटा 31st of March 2023, दो अलग अलग सालों की फिगर्स लिखी जाएंगी, पहले करंट ईयर देन बेटा प्रीवियस ईयर ठीक है जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, जिनको याद हो उनको याद होगा बेटा। लाइबिलिटी में कुछ मेजर हेड होते हैं, शेयर होल्डर फंड देन नॉन करंट लाइबिलिटी देन करंट लाइबिलिटी, यही मेजर हेड होते हैं बेटा। नॉन करंट लाइबिलिटीज एक मेजर हेड है, सेकेंड मेजर हेड, और इसमें बेटा हेडिंग्स के नाम होते थे अगर आपको याद हो, मैं जो शॉर्टकट बोलता हूं एलडोल, कुछ कुछ याद आ रहा होगा बेटा जिन्होंने पहले मुझसे बुक पढ़ी, कुछ कुछ तो याद आ रहा होगा। उस बेटा एलडोल में सबसे पहले एल का मतलब है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कुछ याद आया लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मेरी तरफ देख रहे हैं सामने बेटा। मैं लिख रहा हूं यहां पर नोट नंबर 1 लॉन्ग टर्म बोरोइंग को एक्सप्लेन करूंगा, पर पिछले साल की लॉन्ग टर्म बोरोइंग मैंने सीधा सीधा लिख दी बेटा 15 लाख रुपए। उसने कहा ना 1 अप्रैल 2023 को आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है कंपनी के पास 15 लाख रुपए। बेटा 1 अप्रैल 2023 को है मतलब 31 मार्च 2023 को भी तो होंगे ना, आउटस्टैंडिंग है तो पिछले साल से ही तो आए होंगे इस साल में, तो बेटा मैंने 31 मार्च 2023 को बता दिया कि 15 लाख के तो डिबेंचर पिछले साल के ही है ठीक है जी। चाहे डिबेंचर है चाहे बैंक लोन, किसका पार्ट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब बेटा बहुत बच्चे मुझसे पता है क्या चाहते होंगे कि सीधा लिखो ना या 20 लाख, आप सबके दिमाग में आ रहा होगा सीधा लिखो 20 लाख। मैं पूछू कैसे तो कहोगे 15 लाख पिछले साल के हैं, 5 लाख का इस बार बैंक लोन लिया हो गए 20 लाख, सीधा लिख दो 20 लाख। पर ठीक है मुझे पक्का पता है कि 20 लाख ही आएगा, मैं लिख भी सकता हूं एक मिनट भी ना लगाऊं, पर बेटा अगर मैं ये इंफॉर्मेशन अपने शेयर होल्डर के सामने प्रेजेंट करूं कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग 15 से 20 होगी तो उन्हें क्या पता लगा, तो कुछ नहीं जानते ना बेटा। शेयर होल्डर तो वो भी हो सकता है ना जिसका कोई कॉमर्स बैकग्राउंड ना हो, तो कंपनियां क्या करती हैं डिटेल्ड में बताती हैं कि पैसा कहां से आया क्यों आया क्या पर्पस है, सब कुछ बताना पड़ता है आपको ठीक है ना जी। तो मैं बताऊंगा कैसे बेटा, मैंने इसके लिए लिख दिया नोट नंबर 1 लो जी। बाबू मैंने नोट नंबर 1 बनाना शुरू करा बिल्कुल नीचे ही, सब सामने देखते रहेंगे बेटा, जिन्होंने जिनको ये याद नहीं है उनके लिए भी कॉम्प्लिकेटेड है।
ठीक है ना, और जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनके लिए तो है ही है बाबू। नोट नंबर वन, इसका कोई स्पेसिफाइड फॉर्मेट नहीं होता, यहाँ जैसा मर्जी लिखो, जितना आसान कर सकते हो उतना आसान लिखो, जितना ज्यादा शेयर होल्डर को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उतना बढ़िया लिखो। तो मैंने लिखा डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1st of April 2023। जब साल शुरू हुआ मेरे पास डिबेंचर कितने के है, 15 लाख रुपए के, ठीक है बेटा। मैंने ब्रैकेट ओपन किया, अब एक बात लिखी, इन एडिशन टू दिस डिबेंचर वर्थ रुपीस 7 लाख इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। मैंने बेटा अपने शेयर होल्डर को बता दिया कि वैसे तो डिबेंचर 15 लाख के ही हैं इस साल में भी, पर मैंने 7 लाख रुपए के डिबेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए हुए हैं। जिस दिन बैंक लोन रोकूंगा उस दिन बेटा जिंदा हो जाएंगे, उस दिन डिबेंचर 15 के नहीं बचेंगे बेटा, 22 के हो जाएंगे, यानी कि 22 का ब्याज देना पड़ेगा कंपनी को, 15 का तो दे ही रही होगी 9% ब्याज। तो शेयर होल्डर को कंप्लीट इन्फॉर्म मिली ना, इससे कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आई बात। पर बेटा बैंक लोन भी तो यहीं जाता है, मैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का नोट नंबर वन बना रहा हूँ ना, देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के सामने मैंने वन लिखा है। तो बेटा बैंक लोन भी तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ही जाता है, डिबेंचर तो जाता जाता है, बैंक लोन भी यहीं जाता है। तो मैंने बैंक लोन रिकॉर्ड करा, कितने रुपए का बैंक लोन लिया आपने, 5 लाख रुपए का, 15 लाख के डिबेंचर पिछले साल के, 5 लाख का और ले लिया, ठीक है ना, आ गया वही 20 लाख। पर एक बात और कर देना, जब ढंग से एक्सप्लेन कर रहे हो तो और ढंग से कर दो, बैंक लोन के भी ब्रैकेट में बात लिख दो। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको लिखना ऐसे तरीके से, अंग्रेजी भाषा में लिखना, पर इतनी इन्फॉर्मेशन दे देना कि शेयर होल्डर को समझ आ सके, ठीक है ना। और कुछ समझना है तो रट लेना स्टेटमेंट को, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूं वैसे मेरी कॉपी करनी है, अंग्रेजी भाषा में इसी बात को सिंप्लीफाई जितना कर सकते हो उतनी सिंप्लीफाइड भाषा में लिख दो, ठीक है जी। तो मैंने लिख दिया बेटा ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ, कि जो लोन है ये कोलेटरल सिक्योरिटी पे चल रहा है, ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 9% डिबेंचर ऑफ रुपी 7 लाख, ये बैंक लोन 7 लाख रुपए के डिबेंचर की सिक्योरिटी पे चल रहा है, ठीक है जी। यानी कि मैंने इसके नीचे डिबेंचर के नीचे भी बात लिख दी, बैंक लोन के नीचे भी यही बात लिख दी, बस भाषा अलग कर दी थोड़ी सी, समझ में। जर्नल एंट्री कितनी हुई, एक। क्या मुझे ये पहले नहीं पता था कि 20 लाख आना है, बेटा मुझे पहले से पता था ये 20 लाख रुपए आना है, पर बेटा मैंने नहीं दिखाया सीधा 20 लाख, मैंने तो कैलकुलेट करके दिखाया, ढंग से समझाया अपने शेयर होल्डर को कि क्या क्या हुआ है साल भर में, पता तो मुझे पहले ही लग गया था, ठीक है जी। क्या अगर आप सीधा ये 20 लाख देखो नंबर मिलेंगे, सर नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अगर ये नोट नहीं बनाओगे, ऐसा एक्सप्लेन नहीं करोगे, कोई टीचर नंबर नहीं देगा, क्लियर है बात, समझ में आती है बात। अब जिन्होंने बेटा नोट करना शुरू कर दिया, 2 मिनट का मौन व्रत उनके लिए, क्योंकि मेरे को इस मेथड से क्वेश्चन करके नहीं आना बोर्ड में, दूसरे मेथड से करके आना। मैं रोक भी नहीं रहा था, लड़कियों को थोड़ी आफत होती है, मैंने कहा ठीक है करो नोट, पहले कर लो, मैंने कहा तब बताऊंगा, पहले तुम कर लो नोट, अब काटा मार देना बेटा, जिस मेथड से बोर्ड में करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है जी। बेटा इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड होते हैं, एक पहला मेथड जिससे हमने करा, ठीक है ना, नहीं करना, एक दूसरा मेथड। अब सुनना बेटा, मैं दूसरा मेथड यहां पर करूंगा और फिर कंपेयर कराऊंगा, कंपेयर कराने में मेरा ज्यादा विश्वास है, इस वजह से मैंने पहला मेथड डिलीट नहीं किया। क्वेश्चन वही है, 1 अप्रैल 2023 को आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है कंपनी के पास 15 लाख, पूरे साल भर में आपने बैंक लोन लिया 5 लाख रुपए का, जिसके बदले में आपने कोलेटरल सिक्योरिटी दी डिबेंचर की 7 लाख रुपए, ठीक है जी। सर अब जर्नल एंट्री कितनी होंगी, बेटा जर्नल एंट्री अब होंगी 2। सुनना आराम से सुनना बेटा, पहला तो लोन लिया वही जर्नल एंट्री, सेम पैसा आ गया, ठीक है जी बेटा, साथ ही साथ कर्जा भी आ गया बेटा, 5 लाख रुपए का पैसा आया, 5 लाख का कर्जा भी आ गया साथ में बेटा। डिबेंचर जब भी इशू करते हैं, शेयर जब भी इशू करते हैं, शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं, डिबेंचर जब भी इशू करते हैं बेटा, डिबेंचर को भी क्रेडिट करते हैं। आपने पूरा चैप्टर में 17-18 क्वेश्चन कर लिए, देख ली होंगी बात बेटा। अगर मैं कैश में इशू करता हूं तो मैं एंट्री कर देता कैश टू डिबेंचर या बैंक टू डिबेंचर बेटा, एसेट्स आती तो एसेट्स टू डिबेंचर, अभी तो मुझे पता भी नहीं है तो मरे हुए डिबेंचर हैं, जिंदा होंगे भी कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि जिंदा होंगे भी कि नहीं, तो बेटा मैं इसका नाम लिखूंगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अभी मैं भी सस्पेंस में हूं भैया,
मुझे नहीं पता डिबेंचर कब जिंदा होंगे और होंगे भी या नहीं होंगे, समझ में आती है बेटा बात? तो बेटा बैलेंस शीट में क्या बदल जाएगा? बेटा बैलेंस शीट में भी ट्रीटमेंट बदल जाएगा। बेटा फिगर एज एट द एंड ऑफ करंट ईयर, फिगर एज एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, वो आप लिखना, ठीक है ना जी। बेटा मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, बेटा इसके अंदर फर्दर हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बेटा पिछले साल कितने रुपए थे डिवेंचर के पेंडिंग, 15 लाख के डिवेंचर आउटस्टैंडिंग है, पिछले साल वाली बात सेम, इस साल वाली बात। बेटा अब आपके दिमाग में कैलकुलेशन क्या चलने लगेगी, 15 लाख तो पिछले साल के डिवेंचर है, 7 के और आ गए, 22, बैंक लोन भी लॉन्ग टर्म बोरिंग में आता है, 27। बेटा नहीं, इतना फर्क नहीं हो सकता। अगर आपने पिछले में 20 लाख लिखा है तो लिखोगे इसमें भी 20 लाख रुपए, तो 27 बैठ रहा है आपके हिसाब से। सर 27 नहीं बैठेगा, सुनना आराम से जरा इस बात को। बेटा जो चीजें डेबिट है वो एसेट्स है या खर्चे, डेबिट क्या होता है बेटा, एसेट्स या खर्चे ही होते हैं, ठीक है ना। और जो क्रेडिट है वो या तो इनकम होती है लाइबिलिटी होती है। बेटा यहां पर दोनों ही जो क्रेडिट है वो लाइबिलिटी है, ठीक है। जो बेटा यहां दोनों डेबिट है दोनों एसेट्स है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं बेटा, इसको एसेट्स में नहीं दिखाना, इसको लाइबिलिटी में से माइनस करके ही दिखाना है। भैया ऐसा हो सकता है ना, कोई चीज एसेट्स में लाइबिलिटी में से माइनस करके दिखाऊं, या कुछ चीजें लाइबिलिटी में एसेट्स में से माइनस करके दिखाऊं। एक बात बताओ, आप अभी पहली बुक पढ़ते थे फंडामेंटल, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, दुनिया के सारे प्रोविजन क्या होते हैं लाइबिलिटी होते हैं, पर आपके डेटर में से माइनस नहीं करके दिखाते थे क्या? एसेट्स में से तो माइनस करके दिखाते थे, लाइबिलिटी थी। तो बेटा अगर ये एसेट्स है तो मैं लाइबिलिटी में से भी तो माइनस करके दिखा सकता हूं ना, तो मैं इसे लाइबिलिटी में से ही माइनस करके दिखाऊंगा, इसमें से डिबेंचर में। अब सुनना जरा आराम से, क्या चेंज होएगा, चेंज ऑब्जर्व करने की कोशिश करना, और पेपर में बोर्ड में क्वेश्चन इसी मेथड से करना है आपको, पिछला मेथड भूलना है अभी भूलना है बिल्कुल। लो उत्तर बाबू, मैं नोट नंबर 1 बनाने जा रहा हूं, ठीक है ना। अरे लो नोट नंबर 1, डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1st of April 2023 15 लाख। ये बात मैंने वहां पर भी लिखी थी, ठीक है। वहां पर इसके बाद मैंने ब्रैकेट शुरू कर दिया था, यहां ब्रैकेट का स्कोप नहीं है। बेटा मैंने लिखा एडिशन, क्या साल भर में और कोई डिबेंचर इशू हुए? हुए बेटा, दिखाई दे रहा है मेरे को, कितने के? 7 लाख रुपए के। कितने हो गए डिबेंचर? 22 लाख माइनस डिबेंचर सस्पेंस। बेटा ये डिवेंचर ऐड करे, ये डिवेंचर सस्पेंस माइनस करती है, डिवेंचर सस्पेंस 7 लाख रुपए, यही 7 लाख ऐड करे और ये 7 लाख माइनस भी कर दिए सेम चीज में से, यानी कि फिर डिवेंचर कितने का बच गया? 15 लाख। मेरे शेयर होल्डर देखेगा उसको पता लग जाएगा क्या हुआ। भैया अगर मैंने ब्रैकेट में लिखा तो उसे पता लग रहा था कि डिवेंचर 7 लाख के इशू हुए हैं, बैंक लोन लिया है 5 लाख का। सर अगर वो ये देखेगा कि डिबेंचर 7 लाख के इशू है और 7 लाख डिबेंचर सस्पेंस के माइनस है, उसे भी पता लग जाएगा कि डिबेंचर डेड डिबेंचर है, तो उसको भी मिल रहा है, ठीक है ना। जितने डिबेंचर इस साल इशू हुए उतने डिबेंचर सस्पेंस माइनस हुए, यानी कि बेटा डेड डिबेंचर है, सीधी सी बात, जिंदा नहीं है चीज, ठीक है जी। और वो बैंक लोन वो एज इट इज। बेटा इसी नोट में आपने लिखा बैंक लोन लिया आपने 5 लाख रुपए का, और बेटा इसके ब्रैकेट में कहानी वही, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ, ऑन कोलेट्रल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर, बल्कि 9% डिबेंचर ऑफ रुपी 7 लाख, और बेटा टोटल क्या आ गया? वही 20 लाख, और ये रहा 20 लाख। यानी कि बेटा इन दोनों मेथड में फर्क क्या है? वहां जर्नल एंट्री 1 और वहां बेटा बैलेंस शीट में जब आपने रिप्रेजेंट किया डिबेंचर को, तो उसके लिए जो नोट नंबर बना डिबेंचर के ब्रैकेट में भी सारी डिटेल लिखी और बैंक लोन के बराबर में भी सारी डिटेल। यहाँ जर्नल एंट्री कर दी 2, बैंक टू बैंक लोन, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। बेटा डिबेंचर जितने हैं उसी में से डिबेंचर सस्पेंस माइनस होंगे, यानी कि प्रैक्टिकली 0 आता वो अगर कोई आउटस्टैंडिंग डिबेंचर ना होते। अगर पिछले साल के 15 लाख के डिवेंचर ना होते तो लिखता डिवेंचर 7 लाख माइनस डिवेंचर सस्पेंस 7 लाख, 0।
और उससे हिंट मिल जाता किसी को कि हाँ ये कुछ डेट डिवेंचर नाम की चीज है, और बाकी बैंक लोन के नीचे बिल्कुल यही लिखना है कि किसकी कोलेट्रल सिक्योरिटी पे ये इशू हुए। ठीक है जी, पेपर में ये मेथड चलाना है। क्लियर है बात? सामने देख रहे हैं बेटा, मैं सिर्फ बुक के दो क्वेश्चन पहले पढ़वा रहा हूं, फिर आगे की बात कर रहे हैं। पढ़ना है जरा क्वेश्चन फटाफट से, आपको लगेगा सेम क्वेश्चन मैंने कर दिया अभी बोर्ड पर। कहता है कंपनी के पास 10 लाख रुपए के आउटस्टैंडिंग डिवेंचर हैं, इस साल भर में कंपनी ने 2 लाख का लोन लिया और 2.5 लाख रुपए के डिवेंचर दे दिए कोलेट्रल सिक्योरिटी। ठीक है जी बाबू, अभी क्या होगा, इन्होंने पहले मेथड से क्वेश्चन किया बैंक टू बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर पिछले साल के 10 लाख थे वो तो रिकॉर्ड कर दिए, ये 12 लाख कहां से आया करंट ईयर में, ये देखो लॉन्ग टर्म बोरोइंग यानी कि डिवेंचर कितने थे 10 लाख, डिवेंचर के ब्रैकेट में भी शॉर्ट नोट लिख दिया वो जो लिखना था, बैंक लोन 2 लाख रुपए का उसके ब्रैकेट में भी वही नोट लिख दिया, जबकि पहले मेथड से मुझे क्वेश्चन नहीं करना, हमेशा मैं दूसरा मेथड लगाऊं, मैं एंट्री करूंगा दो बैंक टू बैंक लोन, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। ठीक है जी, अब इन्होंने दूसरे मेथड से सेम क्वेश्चन किया बैंक टू बैंक लोन डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर। ठीक है जी बेटा, पिछले साल के 10 लाख के आउटस्टैंडिंग डिवेंचर थे, ठीक है जी करंट ईयर में 12 लाख आया कहां से आया, ये देखो जी डिवेंचर 10 लाख के पिछले साल के थे, 2.5 लाख रुपए गए और इशू हुए तो डिवेंचर हो गए 12.5 लाख, माइनस कर दिया उतना ही डिवेंचर सस्पेंस यानी कि आउटस्टैंडिंग डिवेंचर ही बचे, बैंक लोन दिखाया ब्रैकेट में दिखा दी कोलेट्रल सिक्योरिटी खत्म, जो मैंने किया। ठीक है जी बाबू, सेकेंड क्वेश्चन सेम, कहता है आपने 1,20,000 रुपए का लोन लिया, 1400 डिवेंचर 8% वाले 100 रुपए का एक डिवेंचर है कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू कर दिया, बैंक टू बैंक लोन डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर 1,40,000। कहता है फिर लोन लिया 80,000 का और फिर बेटा 1,00,000 रुपए के डिवेंचर इशू कर दिए, बैंक टू बैंक लोन 80,000 डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर 1,00,000। बाबू यानी कि दो बार बैंक लोन लिया दो बार डिवेंचर इशू करे, करना सेकेंड मेथड सही है, ये देखो एंट्री और फिर बेटा रिप्रेजेंटेशन बैलेंस शीट। ठीक है जी, दोनों क्वेश्चन होमवर्क है, करना कुछ नहीं, अब आगे बढ़ाओ बात को, ये देखते प्राइमरी प्राइमरी सिक्योरिटी भी तो क्या हुआ होते रहे, हमें प्राइमरी सिक्योरिटी का कुछ नहीं करना, आपने लैंड एंड बिल्डिंग मॉर्गेज करी कुछ भी नहीं होना उसका, गिरवी रख दी तो कर दी। बहु इलस्ट्रेशन नंबर 20 पढ़ते हैं जरा, काम की बात है, सिंपल मुश्किल बच्चे बनाते हैं। कहता है ए लिमिटेड कंपनी इशूड डिबेंचर ऑफ 1,00,000 विच वर इशूड एज फॉलो। कहता है ए कंपनी ने क्या करा बेटा, 1,00,000 रुपए के डिबेंचर इशू करे, कुछ कुछ पर्पस है बेटा। कहता है कैश के लिए इशू करे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए इशू करे और कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू करे। देखो तीनों कंसेप्ट हमने पढ़े हैं, तीनों इस क्वेश्चन, डिबेंचर इशूड फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश और एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बाबू पढ़ना जरा नाम से, कहता है फॉर कैश एट 90% और ब्रैकेट में लिखा हुआ है यहां पर 50,000 नॉमिनल, नॉमिनल मतलब फेस वैल्यू। बेटा 50,000 की फेस वैल्यू के डिवेंचर आपने इशू करे हैं, कहता है कितने कैश के लिए, कहता है 90% कैश के लिए, 50,000 का 90% 45,000, कहता कैश तो आया 90,000, मतलब डिस्काउंट भी इशू करे ना, 50,000 के डिवेंचर बेचे 90% में मतलब 45,000 के लिए डिस्काउंट है ना बाबू, आपको ही पता है लमसम की एंट्री क्या होती है, क्या एंट्री करूंगा, दो एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 45,000, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के सामने हमेशा फेस वैल्यू मतलब 50,000, डिस्काउंट के सामने 5,000 और बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट के सामने 45,000, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं लिखेंगे, अगर ये नहीं पता डिवेंचर की परसेंटेज क्या तो कैसे लिखेंगे। ठीक है जी आगे बढ़ाओ जी, कहता है फॉर क्रेडिटर फॉर 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ इस क्लेम, और यहां लिखा है 25,000 नॉमिनल। बेटा कहता है क्रेडिटर को इशू करे 20,000 रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के बदले में, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप समझते होंगे बेटा, बाबू अकाउंट्स के बच्चे हो तो यार कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब पता होना चाहिए एसेट्स के लिए। कहता है 25,000 रुपए के डिबेंचर इशू करे, 25,000 फेस वैल्यू है, 20,000 के कैपिटल एक्सपेंडिचर के बदले में, मतलब एसेट्स तो 20,000 की आई ना, आपने एंट्री करी होगी सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर, सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर कितने रुपए की एसेट्स आई, 20,000,
दूसरी एंट्री वेंडर डेबिट 20,000, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट 5,000 टू डिबेंचर, डिबेंचर के सामने हमेशा फेस वैल्यू 25,000। समझ आई? 25,000 के डिबेंचर 20,000 की कैपेक्स के बदले में, 20,000 के कैपिटल एक्सपेंडिचर के बदले में। क्लियर है बेटा बात? दो बातें। तीसरी बात कहता है बैंक लोन लिया 15,000 रुपए का, 25,000 रुपए के डिबेंचर दे दिए कोलेटरल सिक्योरिटी में। बेटा एंट्री पता ही है अभी आपको, बैंक तो बैंक लोन 15,000, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर 25,000। सभी जनरल एंट्री क्लियर है? 3 मिनट शुरू होते हैं अब, सारी जनरल एंट्री करके दिखा दो। एक चीज और, डोंट फॉरगेट टू राइट ऑफ द डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर। यहाँ पे भी 5,000 की डिस्काउंट आई, यहाँ पर भी। किससे राइट ऑफ करोगे? एसपीएल से। यानी कि 7th एंट्री ये होगी, एसपीएल टू डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर 10,000। इकट्ठे राइट ऑफ कर देना दोनों, 5-5 10,000। ठीक है, एंट्री करके दिखाओ साथ। 3 मिनट है बेटा, फटाफट से। बेटा उम्मीद है आपने सभी एंट्री कर ली होंगी और ठीक कर ली होंगी। 7 एंट्री गई थी, एक बार देखना, मैच करना फटाफट से। देखो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 45,000, डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू डिबेंचर। देन बेटा पबू आप सन्ड्री एसेट से लिखना, अभी इनका मत देखो, अभी आपको नहीं पता इसका मतलब क्या है। ठीक है ना, जिन्होंने बैलेंस शीट पढ़ी है उनको शायद मतलब पता है। सन्ड्री एसेट्स टू वेंडर, देन वेंडर डिस्काउंट टू डिबेंचर, देन बेटा बैंक टू बैंक लोन डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। डिस्काउंट को राइट ऑफ करना मत बोलना, पहले और दूसरे दोनों पार्ट में 5,000 की डिस्काउंट है, मतलब टोटल 10,000 की डिस्काउंट है। ठीक है जी बाबू। सिमिलर क्वेश्चन ये है 21। अभी आप देखोगे डिबेंचर इशू हुआ है प्रीमियम पर फॉर लमसम, मतलब फॉर कैश। देन बेटा आपने कोई एसेट्स खरीदी उसके लिए फिर डिबेंचर इशू हुआ, और बाबू उसके बाद आपने क्या करा, लोन लिया उसके लिए फिर डिबेंचर इशू हुआ। यानी कि तीनों केसेस बिल्कुल सिमिलर। पर बेटा ये करना ही करना है, क्यों करा रहा हूं अब ये सुन लो। जनरल एंट्री तो आप कर ही लोगे, कहता है प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, और बेटा ये सिर्फ एक्सट्रैक्ट कह रहा है, मैं कह रहा हूं पूरी बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है जी, बस आप एक काम कर दो, जनरल एंट्री आप कर दो, बैलेंस शीट मत बनाना, बैलेंस शीट मैं बनाऊ। ठीक है जी, स्टार्ट हो जाओ फटाफट से। कुछ लाना नहीं है वो, देखो जरा आप सामने जनरल एंट्री मैच कर लो। बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देन बेटा डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर टू एसपीआर। देन बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट खरीदे 2,50,000 के, बेटा करंट लाइबिलिटी है 2,40 की, तो वेंडर को पैसे देने हैं 2,10, लेकिन हमने फिर प्रीमियम में दिए उसको पैसे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब भी प्रीमियम है डिस्काउंट है, पहले नंबर ऑफ डिवेंचर या नंबर ऑफ शेयर जो भी होगा कैलकुलेट करना उसको ढंग से। ठीक है ना, उम्मीद है कर लिया होगा। 2,10 / 105, 2,000 डिवेंचर के सामने फेस वैल्यू आएगी। 2,000 डिवेंचर दिए, 100 रुपए का डिवेंचर है, मतलब 2,10,000 का एसपीआर। फिर बेटा अगर कभी ये ना बताया हो कि बैंक लोन के बदले में कितने डिवेंचर दिए, कभी ना बताया, वैसे तो नॉर्मली ज्यादा देते हैं, ना बताया तो जितने का बैंक लोन लिया उतने के डिवेंचर दिए होंगे, इस क्वेश्चन में नहीं बताया था। अब रही बेटा बैलेंस शीट की बात। सर देखो बच्चों को लगता है कि यार बहुत मुश्किल चीज पूछ ली, बैलेंस शीट पूछ ली, मुझसे नहीं होगी। सर मैं बताता हूँ बैलेंस शीट इतना आसान कोई चीज नहीं होती। देखो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं कैसे बनाता था, ठीक है ना, या आज भी कैसे बनाता हूँ, ठीक है ना, वो इस्तेमाल कर लो शायद बहुत बेनिफिशियल होगा। बाबू मैं क्या कर रहा हूँ, ऑल्दो मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया, फिर भी आपको जितना समझ में आना है आ जाएगा। बेटा सिर्फ पहले फोकस कर रहा हूँ ऑन द डेबिट साइड, ठीक है। डेबिट साइड पे फोकस करने से क्या होगा बेटा, मुझे एसेट्स मिल जाएंगे सर, और फिर फोकस करूंगा क्रेडिट साइड, यानी कि फिर मुझे मिलेंगे सभी के सभी लाइबिलिटीज। ठीक है जी, तो बेटा डेबिट साइड पे फोकस करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट है 11,00,000 से, ठीक है जी, एक चीज मिल गई, बैंक 11,00,000 दिखाना है। देन बेटा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 11,00,000। बेटा इस डिबेंचर और एप्लीकेशन की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि पहली एंट्री में जितना डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट क्रेडिट है उतना ही बेटा दूसरी में डेबिट है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। यानी कि दो एंट्री के बाद ही मुझे भी क्या मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 11,00,000। देन बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 2,50,000 रुपए के मुझे मिले, ठीक है जी। उसके बाद बेटा वेंडर अकाउंट डेबिट है 2,10,000। पर बेटा इस वेंडर की भी कोई अहमियत नहीं, क्योंकि जितना इससे पिछली एंट्री में क्रेडिट है वेंडर उतना ही इस एंट्री में डेबिट है, ये भी कैंसिल हो गया। दो ही चीजें मिली ना अभी तक, बैंक डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, वो 11,00,000 वो 2,50,000। अच्छा जी, फिर बेटा बैंक डेबिट 1,00,000, यानी कि 11 और 1 12।
और फिर डिवेंचर सस्पेंस, बेटा डिवेंचर सस्पेंस की भी कोई अहमियत नहीं है, डिवेंचर में से माइनस हो, ठीक है, यानी कि बैंक 12 लाख और बेटा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 2.5 लाख, दो ही तो चीजें मिली, पूरी एसेट साइड खत्म हो गई। कितना आसान हुआ, मतलब बच्चे कहते हैं मुश्किल है, तो मैं आपके सामने ही बना रहा हूं, मेरे को भी बता दो भैया कितना को मुश्किल है। बेटा एसेट साइड को बनाना है, ठीक है ना सर, दो मेजर हेड होते हैं, सबसे पहला हेड है नॉन करंट एसेट्स, अगर आपको याद है, और इसमें बेटा शॉर्टकट था एफ एन डी एल ओ, एफ का नाम बेटा पी हो गया, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, पी एन डी एल ओ और देन सिट सी एस ओ, अगर याद हो शॉर्टकट मेरे वाले, ठीक है जी, नहीं भी पता कोई दिक्कत नहीं है भैया, अभी कल या परसों में ही पता लग जाएगा। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ये था कितना, 2.5 लाख रुपए, और बेटा बैंक के सामने है 12 लाख रुपए। बेटा करंट एसेट्स एक दूसरा मेजर हेड है, और उसमें बेटा सिट सी एस ओ, वो जो दूसरा सी है बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और कैश के बराबर चीजें, यानी कि बैंक बैलेंस 12 लाख रुपए, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि 14.5 लाख रुपए से मेरी सारी एसेट्स खत्म हो गई। एसेट्स खत्म, आओ जी लाइबिलिटीज देख, बाबू लाइबिलिटीज पढ़ते हैं। सबसे पहले डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट है सर, उतना ही दूसरी एंट्री में डेबिट है, तो कैंसिल हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आगे बढ़ाओ जी, डिबेंचर 10 लाख, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख, दो बातें मिल गई मुझे, डिबेंचर 10 लाख का, एसपीआर 1 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख का। देन बेटा करंट लाइबिलिटी 40,000, वेंडर जितना क्रेडिट है उतना ही नेक्स्ट एंट्री में डेबिट है, वेंडर की भी कोई अहमियत नहीं। डिबेंचर मिला हुआ 10 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपए का, करंट लाइबिलिटी 40,000 की। आगे बढ़ो जी, फिर डिबेंचर, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम, बेटा डिबेंचर इस बार 2 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम 10,000 का, यानी कि डिबेंचर 12 लाख के हो गए, सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख 10,000 का हो गया, करंट लाइबिलिटी 40,000। बेटा फिर एक और बेटा बैंक लोन, यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग मिली, जैसे बेटा बैंक लोन अभी तक 12 लाख का था, बेटा बैंक लोन भी आ गया 1 लाख रुपए का, ठीक है जी, और बेटा फिर डिबेंचर दोबारा 1 लाख का, और बेटा डिबेंचर सस्पेंस भी 1 लाख रुपए का, ठीक है जी, देखते हैं बेटा। बाबू अब मेरे पास 4 चीजें मेरे को मिली हैं, जिसमें बेटा सबसे पहला हेड होता है लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 हेडिंग आती है अगर याद हो तो, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा रिजर्व एंड सरप्लस में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का मिला बेटा मेरे को, 1,10,000 रुपए का, ठीक है जी बाबू। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी एक हेड है, जिसमें बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग मुझे रिकॉर्ड करनी है, सारे बैंक लोन और सारे डिवेंचर यहीं पर रिकॉर्ड करने हैं, करूंगा इसकी चर्चा 2 मिनट के बाद, ठीक है जी। और उसके बाद बेटा करंट लाइबिलिटी, मुझे सब हेड का नाम नहीं बताया, बस ये बताया हुआ है करंट लाइबिलिटी 40,000 की मैंने रिकॉर्ड कर दी। यही तो 3 हेड होते हैं बेटा लाइबिलिटी साइड, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा रही लॉन्ग टर्म बोरोइंग को रिकॉर्ड करने की बात, लो जी 1 मिनट लगाते हैं, इसको भी रिकॉर्ड कर देते हैं। बाबू मैंने नोट नंबर 1 बनाया इसके ऊपर, डिबेंचर्स मैंने कितने कितने इश्यू करे बेटा डिबेंचर, ये देख लो, देखो बेटा 10 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 13 लाख के डिबेंचर इशू करे बेटा, 13 लाख के मैंने डिबेंचर इशू करे, पर बेटा बोल मत जाना लास्ट एंट्री में मैंने डिबेंचर सस्पेंस भी रिकॉर्ड किया हुआ है 1 लाख रुपए का, तो बेटा वो डिबेंचर सस्पेंस माइनस कर दो डिबेंचर में से 12 लाख, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। मैंने बैंक लोन भी लिया 1 लाख रुपए का, बैंक लोन 1 लाख रुपए का, लेकिन बैंक लोन के ब्रैकेट में हमेशा ही लिखना है अगर वो कोलेटरल सिक्योरिटी पर है तो, ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ डिबेंचर्स वर्थ रूपी 1 लाख, बेटा 13 लाख रुपए की टोटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग है मेरे पास, ठीक है जी। अब वो नोट नंबर 1 से मैं ये वैल्यू ले आया 13 लाख, 1,10,000 और 40,000, यानी कि फिर घूम फिर के ये 14.5 लाख पूरी बैलेंस शीट मीट आउट हो गई, एक्सट्रैक्ट नहीं बना खाली, प्रॉपर बैलेंस शीट बन गई, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू जिसने कभी बैलेंस शीट नहीं पढ़ी उसको भी ये बात पूरी तरीके से समझ आएगी नहीं, मैं कुछ भी कर लूं, ठीक है ना, सिर्फ 2 दिन 3 दिन का मुद्दा रह गया बेटा,
ये बुक खत्म हो जाएगी, उसके बाद उसी बुक पे बैलेंस शीट ही शुरू करनी है, तब आ जाएगी सर। ठीक है जी, अभी आपके लिए होमवर्क क्या है, जो शुरू के दो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, एक तो वो करोगे 18 और 19 थे शायद वो, ठीक है ना, और बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 22, इलस्ट्रेशन 18, 19 और बेटा 22, ये कर लाना, ठीक है ना जी। आज के लिए रखेंगे इतना ही, बाय बाय।